बड़ी खबर, आरएलडी के नेता बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी से हो सकता है आरएलडी का गठबंधन, ये बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर बात हुई है और बीजेपी से गठबंधन पर आरएलडी की बातचीत शुरू हो चुकी है, यानी जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की हो चुकी है। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जयंत चौधरी के साथ यानी कि उनकी पार्टी आरएलडी के साथ पश्चिमी यूपी की 4 सीटों को लेकर बातचीत हुई है। और ये देखिए राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले चुनाव से पहले कितनी तेजी के साथ बदलता और पलटता इस वक्त नजर आ रहा है। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की होने की इस वक्त यह खबर मिल रही है। और इसी बीच में जो पश्चिमी यूपी है उसकी 4 सीटों पर बातचीत हो रही है माना यह जा रहा है। और पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करना चाहती है और निश्चित तौर पर जयंत चौधरी जो उनका वोट बैंक है, क्योंकि जयंत चौधरी अमित शाह से मिले, मुलाकात हुई और इसी मुलाकात के बीच में माना यह जा रहा है कि बातचीत दोनों के बीच में पक्की हो गई है। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की है। आरएलडी नेता मिले बीजेपी नेताओं से, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का देखते हुए बीजेपी और आरएलडी के बीच ये गठबंधन होना मजबूती बीजेपी को निश्चित तौर पर देगा। एहतिशाम सिद्दीकी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, उत्तर प्रदेश में खास तौर से पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन, कितनी मजबूत डील है ये? देखिए, आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना बहुत ही बड़ी मजबूती कही जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उससे कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। और जयंत चौधरी की बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है और अंदरूनी खाने से सूत्रों से जो खबर मिल रही है 4 सीटों पर समझौता हुआ है। और इसके साथ ये भी बात फाइनल हुई है कि यूपी में जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें जयंत चौधरी के 2 लोग मंत्री बनेंगे और केंद्र में भी 2 मंत्री मंडल में शामिल होंगे। तो ऐसे में जो 4 सीट का वादा हुआ है वो पूरी तरह से सही खबर है, क्योंकि सूत्रों का साफ कहना है कि 4 सीटों पर सहमति इस शर्त पर है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चाहे वो केंद्र का हो या यूपी का हो, उसमें आरएलडी को भी हिस्सेदारी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है और आरएलडी भी इस बात को मान गई है। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए गठबंधन है, या अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने में पश्चिमी यूपी लेकिन चुनावों से पहले कितना बड़ा खेला होता हुआ एहतिशाम सिद्दीकी आपको नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान हर कोई जानता है और तीसरा गठबंधन का हिस्सा यानी कि आरएलडी लगातार नाखुश नजर आ रहा था, जयंत चौधरी लगातार नाखुश नजर आ रहे थे, क्या वही नाखुश होने की वजह बनी बीजेपी के साथ जाना? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 7 से 8 सीटें आरएलडी को देने का वादा किया था और कुछ सीटों पर लेकर नाराजगी चल रही थी। उसी नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया है, बाकायदा आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात गोपनीय तरीके से कराई है और जिसमें इस बात की सहमति बन गई है कि आपकी मनपसंदीदा 4 सीटें हम आपको देने को तैयार हैं और उसके साथ ही हम आपको राज्य और केंद्र में हिस्सेदारी भी दे सकते हैं। तो ये चीजें साफ तौर से आ रही है, चाहे वो राज्य स्तरीय दर्जा दिया जाए या कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस बात पर सहमति बन चुकी है कि केंद्र में जो विस्तार होगा उसमें भी आरएलडी के मंत्री रहेंगे और जो राज्य में विस्तार होगा उसमें भी आरएलडी के मंत्री रहेंगे। तो आरएलडी के दोनों हाथों में लड्डू है और आरएलडी ने अपने आप को उस लड्डू का चूरा इस गठबंधन से मिलता हुआ जयंत चौधरी को नजर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए क्यों नहीं पूरा का पूरा लड्डू दोनों हाथों में रहे। आयुष, ठीक कह रही हूं ना मैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा एंटर करने वाली है और उससे ठीक पहले ये कितना बड़ा झटका पूरे के पूरे उस गठबंधन को, जो कि मोदी के खिलाफ आने वाले चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहा है लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका जैसा पूर्णिमा आपने खुद कहा, और वो पश्चिम का इलाका जहां जाटलैंड कहा जाता है, जिस जाटलैंड की वजह से अखिलेश यादव का जो एनडीए जो गठबंधन था, पीडीए का नारा वो लेकर चल रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे, उसको एक बहुत बड़ा झटका। इससे पहले ओपी राजभर भी उनके गठबंधन से अलग हो चुके हैं, जो पूर्वांचल में उनको कमजोर कर रहा है, और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक वाली आरएलडी समाजवादी पार्टी की साथ थी, वहां पर अलग आरएलडी अगर होती है, एनडीए के साथ जाती है, तो ये बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि आज ही अखिलेश यादव को इनविटेशन दिया गया राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए और राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में 16 तारीख को एंटर करेगी। उससे पहले ही गठबंधन एक और जगह एक
आरएलडी के नेता इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी, डील पक्की है बीजेपी के साथ? मैं तो मार दूं जी, डील पक्की है सर बीजेपी के साथ? देखो ये तो मेरे को आप बता रहे हो, मैंने जस्ट अभी मेरे को आपके मुंह से सुन रहा हूँ। बाकी अब मेरा नेता ने जो निर्णय लिया होगा, अभी मैं जब तक कोई मेरे नेता से बात ना हो जाए मैं कोई भी कमेंट अभी नहीं कर सकता। अभी हार्डली 5 मिनट पहले मेरे को पता लगा है भाई न्यूज किस तरीके से ऐसे है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं एक बार अपने नेता से बात करने के बाद। मेरे सहयोगी आयुष भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, वो जयंत चौधरी जिनके ऊपर लठ बजने की एक कोशिश की गई थी, आप लोग आगे आ गए थे, जयंत चौधरी लाठी खाने से बच गए थे, वही जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ हैं, कैसे इस तस्वीर को देख रहे हैं? 2 घंटे पहले आपने बजट को लेकर सवाल उठाए यूपी में और 2 घंटे बाद तस्वीर पूरी तरह से अदल बदल गई। देखो बात यह है कि जो भी मेरे नेता ने निर्णय लिया होगा वो देश हित में, किसान हित में अपने उसमें लिया होगा। जो उनको लगा होगा कि मेरे किसान का हित कहाँ है, अगर कोई ऐसी बात हुई होगी कि किसानों के बारे में क्या विचार हुआ है, क्या हुआ है, मैं पर्सनल कोई इंटरेस्ट को लेके मेरे नेता ने कोई निर्णय नहीं लिया होगा, क्योंकि उनका भगवान कहते हैं उनके पास बहुत कुछ, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी फॉलोवर्स हैं, पर अब किसान के हित में अगर कोई निर्णय लिया। मुजफ्फरनगर पर पेज जो फंसा था वो सॉल्व नहीं हो पाया, टाइट नहीं हो पाया उसका स्क्रू, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सब जानते हैं कि जयंत चौधरी नाखुश थे और सीट्स को लेकर बात अखिलेश यादव से पक्की नहीं हो पा रही थी। जितनी सीटें और जहां जहां की सीटें चाहिए थी अखिलेश यादव उसमें अपनी प्रायोरिटी तय करते हुए नजर आ रहे थे। देखो बात यह है कि ये बड़े दो नेता का, दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के निर्णय होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं तक तो बात वो आती है जो हमको बताई जाती है। ठीक है, अब वो क्या चीज क्या रही वो आने वाले टाइम पे वो भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नेता ने जो निर्णय लिया होगा वो देश हित में और किसान हित में जो भी अच्छा निर्णय लिया होगा वो हमें मंजूर है, हमारे नेता का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। ठीक है, तो किसानों का हित और देश हित, और देश हित की बात तो आजकल वैसे भी बीजेपी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश से इस वक्त की ये बड़ी खबर, और एहतिशाम आपके पास आते हुए क्योंकि मैंने मुजफ्फरनगर सीट का जिक्र किया और जयंत चौधरी की नाराजगी एक लंबे वक्त से समझ में आ रही थी, अब अखिलेश यादव यहां पर किस भूमिका में दिखते हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर 80 में कांग्रेस नाराज, इधर जयंत चौधरी खिसक लिए, बीजेपी के साथ डील पक्की कर ली, फिर कहां से पीडीए और कहां से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा, खोखला नहीं लगेगा फिर? एहतिशाम आयुष, यही सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल पूर्णिमा, बहुत बड़ा झटका क्योंकि जो 7 सीटें थी मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा में से एक सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट अहम इस वजह से हो जाती है क्योंकि बीजेपी के सिर्फ एक विधायक है कपिल देव अग्रवाल, बाकी जो 4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक या फिर आरएलडी के विधायक यहां पर जीते हैं। लेकिन इसी को लेकर पूरा जो टसल था समाजवादी पार्टी और आरएलडी में था, लेकिन टसल इस कदर बढ़ा कि इस मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने जयंत चौधरी से संपर्क किया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह खुद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभाओं में कह रहे थे कि जयंत बाबू गलत जगह चले गए हैं, उनको सही जगह आना चाहिए था, बीजेपी ने खुले मन से उनको ऑफर दिया था, लेकिन जयंत चौधरी नहीं आया। उसके पीछे एक बड़ा कारण किसान नेताओं की नाराजगी और जाट आंदोलन जो था उसको लेकर वो मान रहे थे, लेकिन अब वो नाराजगी विधानसभा चुनाव में उतना फायदेमंद भी साबित नहीं हुई जयंत के लिए। निजी तौर पर वो राज्यसभा जा चुके हैं समाजवादी पार्टी और अपने विधायकों की मदद से, अब वो आगे की तस्वीर देख रहे हैं जहां लोकसभा की लड़ाई में समाजवादी पार्टी उस तरह से बीजेपी को टक्कर क्या दे पाएगी, ये बड़ा सवाल था। और खास करके उस जाट लैंड में जहां मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना, ये पूरी तस्वीर जो है वहां पर बीजेपी और ज्यादा मजबूत इस वजह से है क्योंकि इस बार बीएसपी का साथ सपा के पास नहीं है, मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और जयंत जानते हैं कि इस तस्वीर में 7 सीटों पर लड़ना भी आरएलडी के लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आरएलडी के पास 1 लोकसभा सीट नहीं है, खुद जब अजीत चौधरी थे वो सक्रिय थे, जीवित थे, उस वक्त भी उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मथुरा और साथ साथ मुजफ्फरनगर की ये दोनों सीट जो आरएलडी का एक गढ़ रही है, इन दोनों सीटों पर भी लगातार चौधरी परिवार को हार का सामना करना पड़ा। अजीत चौधरी, जयंत चौधरी दोनों मथुरा और मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे। हालांकि मुजफ्फरनगर में बहुत क्लोज फाइट थी, लगभग 6,000 वोटों से ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जीत पाए थे, लेकिन इसके बावजूद हार तो हार होती है। लेकिन आने वाले चुनावों से पहले देखिए आयुष, कौन कितने दूर कितने पास,
किसके बीच में प्रेम बढ़ रहा है, किसके बीच में अलगाव बढ़ रहा है, ये बड़ी तस्वीर है, जाहिर है। और ये बड़ा खेला अब बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पर कांग्रेस नाखुश है, कांग्रेस बीएसपी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अब आरएलडी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रही है।